दो दिन पहले लापता हुए युवक की नदी में चल रही है तलाश। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दो युवकों को पुलिस ने संदेह के आधार पर लिया हिरासत में। एसटीआरएफ की टीम उतरी बिहार नदी में। बता दें कि दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनकी निशानदेही के आधार पर नदी की खाक छान रही एसटीआरएफ की टीम। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से बीते दिवस गायब हुए एक युवक के अपहरण की शंका होने पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ के बाद पता चला कि युवक नदी में डूब चुका है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस और एसटीआरएफ की टीम नदी की खाक छान रही है। परिजनों का कहना है कि निहाल सोंदिया निवासी शिवनगर को बीते दिवस चंदन सोंदिया और बिल्लू गौड़ उर्फ सुरेश के साथ देखा गया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया। बीते 24 घंटे से निहाल के परिजन उसे तलाश करते रहे, तभी थाने में पहुंचकर परिजनों ने दो युवकों पर शंका जाहिर की। शंका के आधार पर पुलिस ने चंदन सोंदिया और सुरेश को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि निहाल अजगरहा बाईपास स्थित बिहार नदी में डूब चुका है। पकड़े गए युवकों का कहना है कि वह तीनों नदी में नहाने आए थे, जिसमें निहाल डूब गया, लेकिन परिजनों को कहना है कि चंदन निहाल के बड़े पिता का लड़का है और दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। निहाल की मां ने सीधा आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी और इस बार योजनाबद्ध तरीके से निहाल का अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए संदेहियों की निशानदेही पर नदी में निहाल की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है लापता युवक के माँ से प्राप्त जानकारी के अंश। ये क्या घटना क्या हुई आपको? अरे बाहर निकला है 2 बजे घर से हमारे, ये बोला कि हम जा रहे हैं कहीं यहाँ छोटू दादा के, फिर ये चंदन अपने गाड़ी में बैठाया, इसको ले आया बीहर नदी में, तीन चारों थे, फिर जब डूब गया तो ये छोटू हमको फोन लगाता है, छोटू बोलता है कि यहाँ नहीं है हमारे पास, हम नानी के यहाँ है। चंदन कौन है? चंदन माई जेट का लड़का, वही सब किया, वही ढोसा है, इसमें हमारी प्राइमरी जो दुश्मनी है, बहुत दिन से दुश्मनी है हमारी, हम लोग मना करते थे इससे बात मत करो। वातावरण ये निकला था 2 बजे घर 3 के बीच में। निहाल क्या करते थे? निहाल डीजे का अभी दुकान खोला था अभी। निहाल डीजे को बुला के लाया थे घर से? हाँ घर से बुला के लाया है। चंदन कैसे पता चला आपको कि नदी लेके आए, कौन बताया? वो अभी आज ढूंढ रहे थे, जब नहीं मिला तो आज फिर साहब लोग प्रयास किए, जब उनको पकड़े या उनसे पूछताछ किए तो ये लोग अपने आप कबूल कर लिए कि हम लोग नहाने गए थे तो वो बह गया है। अब ये सबको पकड़ा जाए इसमें।